सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7YT। एंड आप सभी लोगों ने एल्डन रिंग गेम के बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि काफ़ी फेमस PC एंड कॉन्सोल का गेम है, जो कि मतलब काफ़ी फुल ऑफ एक्शन के साथ में भरा हुआ गेम है, जिसमें अलग अलग मॉन्स्टर इन सब से फाइट लेनी पड़ती है। एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट हमको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है ना, हमारे मोबाइल डिवाइस पर तो ऑफिशियली एल्डन रिंग अवेलेबल नहीं है, मगर मुझे ऑफलाइन गेम्स की रिक्वेस्ट आई थी एल्डन रिंग जैसी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऑफलाइन गेम्स लाइक एल्डन रिंग फॉर एंड्रॉइड के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा गेम्स ढूंढने में टाइम लग गया है, मगर चलिए अब देखते हैं हमारे गेम्स। तो हमारी इस वीडियो का 5th गेम है आर्केन क्वेस्ट लेजेंड्स, जो कि 376 MB का गेम है। अब इस गेम की बात करूँ ना, तो इसके अंदर में मतलब आपको जो गेम प्ले है वो हैक एंड स्लैश जैसा देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा आपको जो है ना, यहाँ पर गेम जो है ना अपर कैमरा एंगल की तरफ से देखने को मिलेगा, मगर गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए ना क्योंकि इस गेम के अंदर में ना काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें आपको बहुत सारे बीच बीच में मॉन्स्टर से फाइट लेनी पड़ेगी। हाँ, उतना बड़ा ओपन वर्ल्ड नहीं देखने को मिलेगा, ओपन वर्ल्ड के मामले में तो खास नहीं है गेम, बाकी ओवरऑल जो गेम की स्टोरी है ना वो काफ़ी अच्छी है, जिसमें कि आपको आपका जो हीरो है उसके के बारे में पता लगाना है, और जो यहाँ पर हमारा जो वर्ल्ड है तो उसके अंदर में सारा जो भी एविल मॉन्स्टर्स है इन सबको फाइट करके और बॉस बैटल्स ये सब होंगी, तो सब कुछ करके और गेम की स्टोरी को कंप्लीट करना है। ऐसे इनके डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में इन्होंने स्टोरी मेंशन करी है। और हमारे यहाँ पर जो 4th गेम है ना, इसका नाम है पावर लस्ट, जो कि 960 MB का गेम है। अब ये जो गेम है ना, इसके अंदर में भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये भी आपको अपर कैमरा एंगल से गेम देखने को मिलता है, अदरवाइज़ ये गेम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर में भी मतलब आपको डिफरेंट कॉम्बोज मिल जाएंगे, मतलब फाइट करते टाइम डिफरेंट अलग अलग वेपन्स होंगे, स्किल्स रहेंगी, एंड काफ़ी कुछ इसके अंदर में भी है। गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस बात यहाँ आ जाती है ना कि ये भी अपर कैमरा एंगल से आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा, ओपन वर्ल्ड के मामले में उतना ठीक नहीं है। ऐसे एक और है एनिमा ARPG, तो मैंने ज़्यादा अपर कैमरा एंगल वाले गेम्स नहीं रखे, सिर्फ 2 ही रखे थे। अब जितने भी आएंगे वो आपको TPP मोड में देखने को मिलेंगे। तो हमारा 3rd गेम है वे ऑफ रेट्रीब्यूशन, जो कि 770 MB का गेम है। अब ये जो गेम है ना, इसके अंदर में जो भी फाइटिंग ये सब रहेगी ना, वो पूरा बहुत अच्छा आपको ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगी। गेम आपको TPP मोड में देखने को मिलेगा, एक तरीके से ये एक MMORPG गेम है, और ऑफलाइन में MMORPG गेम तो बहुत रेयरली मिलते हैं, मगर ये गेम मुझे ऑफलाइन में ना बहुत एल्डन रिंग से सिमिलर देखने को मिला, तो मैंने ये आपको सजेस्ट करा है, जिसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, आपके कैरेक्टर को भी लेवलअप करना है, नई स्किल्स एंड जो भी एबिलिटीज़ है उनको अनलॉक करना है, बहुत सारे आपको क्वेस्ट मिलेंगे उनको भी कंप्लीट करना है, और अलग अलग रीजन्स इन सब में जाके फाइट करनी है। ऑल दो गेम में सारी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बस ग्राफिक्स में थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है गेम। तो हमारा जो 2nd गेम है, इसका नाम है रेवन स्वॉर्ड शेडोलैंड्स, जो कि आपको 553 MB का ये गेम देखने को मिलता है। अब ये गेम जो है ना, ऐसे नया गेम नहीं है, इसको आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत शुरू में जब मोबाइल गेमिंग आई थी ना उस वक्त का ये गेम है, मगर बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है ये। यहाँ पर जो है ना, इस गेम के अंदर में सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है ना कि आपको सारी ही चीज़ें देखने को मिलेगी, ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट भी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, जिसमें कि किंगडम ऑफ टायरियस करके कुछ मतलब है, उसी का मतलब आपको मिस्ट्रीज को सॉल्व करनी है। यहाँ बहुत सारे वेपन्स आपको कलेक्ट करने रहेंगे, आइटम्स रहेंगे, स्किल्स अपग्रेड करनी रहेगी। यहाँ पर जो है ना, आपको एक चीज़ है कि ये गेम ना आपके लो एंड डिवाइस में भी बहुत सही से चल जाएगा। अभी तो जितने भी डिवाइस है ना, ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं होगा जो इस गेम को ईजिली ना चला पाए, मगर हाँ यही एक इशू भी है बहुत सारे लोगों के, इसमें इनकम्पेटिबल होगा ये गेम, तो आप लोग इसको जो है ना कहीं पर भी गूगल पे से डाउनलोड कर लेना। और हमारा जो लिस्ट का 1st गेम है, इसका नाम है पास्कल्स वेगर, जो कि आपको 4.2 GB का ये गेम देखने को मिलता है। प्ले स्टोर पर 70 MB का, मगर कंप्लीट साइज इतना ही है गेम का। अब यहाँ जो है ना, अगर आप लोग मोबाइल पर ऑफलाइन में सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव अगर एल्डन रिंग का ढूंढ रहे हैं ना, तो पास्कल्स वेगर आपको सबसे फर्स्ट पर ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी करेंटली तो ना ये सबसे बेस्ट गेम है। यहाँ पर जो है ना, इस गेम के अंदर में आपको इन्वायरमेंट भी ओपन वर्ल्ड देखने को मिलता है, ग्राफिक्स तो एकदम कॉन्सोल लेवल की है। अब इस गेम की स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर मतलब भर के इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आप एक्सप्लोर कर के थक जाएंगे। इसमें जो है ना, प्लेयर जो है हमारा वो मतलब एक लैंड्स ऑफ सोल्स करके है, वहाँ पर जाता है, वहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस पर जाना
जाना है, सबकी अपनी मिस्ट्री है, सबकी अपनी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, सबको आपको सॉल्व करना है। एंड इस तरीके से गेम की स्टोरी कंप्लीट होगी, जो कि डेफिनेटली सबसे बेस्ट गेम बना देती है अभी तो करेंटली मोबाइल पर। और हाँ, आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।